नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है बच्चा इतना जरूरी है क्या। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर नई कहानी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। रेवा जब से मायके आई थी तब से उसने किसी से कोई बात नहीं की थी। वो बिस्तर पर लेटकर अपनी सूनी आंखों से छत की तरफ एकटक शून्य में ताक रही थी। रेवा की पथराई सी आंखें, धसी हुई काया और मलिन मुख देखकर उसके माता पिता का कलेजा फटा जा रहा था। कुछ ही दिनों में उनकी सुकुमार सी बच्ची ताने सुन सुनकर सूख कर कांटा हो गई थी। रेवा सोच रही थी, माँ बनना किसी भी औरत के जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन यदि मैं लाख कोशिशों के बाद भी माँ नहीं बन पा रही थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था, जो मेरे ससुराल वालों ने बड़े ही बेदर्दी के साथ मुझे घर से निकाल दिया। रह रहकर रेवा की आंखों में पानी आ जाता था। शादी के 4 सालों में वो अभी बच्चे के लिए कितना तड़पी थी, कहां कहां नहीं इलाज करवाया उसने, लेकिन अंत में निराशा ही हाथ लगी। हर महीने एक नई उम्मीद जगती और हर महीने उसकी उम्मीद टूट जाती। धीरे धीरे इस बात को लेकर वह तनाव में रहने लगी थी। ऊपर से हर समय उसकी सास बच्चे को लेकर उसे ताने दिया करती थी। ससुराल में यदि कोई उसका सहारा था तो वह सिर्फ उसका पति जतिन ही था। जतिन हमेशा उसे यही समझाते रहता कि बच्चा इतना जरूरी नहीं होता, अगर हमारी किस्मत में बच्चा नहीं है तो फिर इस बात के पीछे निराश होने की बजाय हमें अपनी जिंदगी में जो भी सकारात्मक चीजें हैं उन पर ध्यान लगाना चाहिए, अपनी जिंदगी का विकास करने में ध्यान लगाना चाहिए। पूरा जीवन हमें क्या बच्चा पालने के लिए ही मिला है? अगर बच्चा होगा तो हम उसे पाल लेंगे, नहीं तो जिंदगी में करने के लिए और भी बहुत कुछ है। लेकिन रेवा वह तो समझना ही नहीं चाहती थी। सामाजिक दबाव उस पर इस कदर हावी था कि अपने मातृत्व को साबित करने के लिए वो सोचती थी कि एक बच्चा तो होना ही चाहिए। लोगों के ताने उलाहने सुनते सुनते वो इतने तनाव में रहने लगी थी कि उनका मुंह बंद करने का उसे एक ही उपाय सूझता था कि काश किसी तरह वह माँ बन जाती। आखिरकार आज उसके ससुराल वालों ने अपना असली रंग दिखाते हुए उसके पिता को बुलाकर उनके साथ उसे मायके भेज दिया था और उसकी सास ने कहा था कि ले जाओ अपनी बेटी, हम अपने बेटे का दूसरा ब्याहरा चाहेंगे, अब हमें भी अपना वंश आगे बढ़ाना है। रेवा तो वैसे भी दुख की मारी थी, अब इस आघात से वह पूरी तरह टूट कर बिखर चुकी थी। वो एक कोने में मूरत सी खड़ी थी, बस उसकी आंखों से निर्झर नीर बरस रहे थे। उसके पिता ये बात सुनकर जड़ होकर रह गए। उन्होंने उसकी सास को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। रेवा चुपचाप किसी बेजान बुत की तरह अपने पिता के साथ वापस चली आई थी और तब से उसने खुद को कमरे में ही कैद कर रखा था। रेवा के पिता कब से अपने दामाद जतिन को फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रेवा की मां ने दरवाजा खोला तो सामने अपने दामाद को देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए। जतिन घबराया हुआ सा अंदर आया और पूछने लगा, रेवा कहाँ है? रेवा के पिता ने मुंह फेरते हुए कहा, अंदर कमरे में है। जतिन ने आगे बढ़कर रेवा के पिता का हाथ थाम कर शर्मिंदा होते हुए कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने घर वालों के व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। ऐसे समय में मैं रेवा का साथ नहीं दे पाया। मैं ऑफिस के काम के लिए 7 दिनों के लिए चेन्नई गया था, अभी तुरंत ही वापस लौटा हूँ। रास्ते में मेरा मोबाइल गिरकर टूट गया था, इसलिए मैंने सोचा कि घर जाकर ही सबसे बात करूँगा। घर पहुँचते ही मैंने देखा कि रेवा वहाँ नहीं थी, तब मुझे अपने घर वालों की इस घटिया हरकत के बारे में पता चला, तो मैं यहाँ दौड़ता हुआ चला आया। मुझे माफ़ कर दीजिए, उन्होंने आप लोगों के साथ ये सब अच्छा नहीं किया। इतना बोलते बोलते जतिन की आंखों में आंसू आ गए। रेवा के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी बिटिया इस घटना से पूरी तरह से टूट चुकी है, अब तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो, जाओ बेटा उसके पास जाओ। जतिन अपने घर वालों के इस व्यवहार से बहुत शर्मिंदा था। वह धीमे कदमों से नजरें झुकाए हुए रेवा के पास पहुंचा। रेवा उसे देखते ही किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। जतिन ने उसे रो लेने दिया। उसे रोता देख उसकी आंखों में भी पानी आ गया।
रेवा सुबकते हुए बोली, सब खत्म हो गया जतिन, मैं किसी काम की नहीं, अब तुम मुझे छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो। बोलते बोलते रेवा के होंठ कांपने लगे और उसके चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें खींच उठी। जतिन ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और उसे गले से लगाकर बोला, धत पगली, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर मुझ में कोई कमी रहती तो क्या तुम बच्चे के लिए दूसरी शादी कर लेती? मैं शुरुआत से ही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चा इतना जरूरी नहीं होता। जिसकी किस्मत में बच्चे नहीं होते, क्या वह जिंदगी में कुछ और नहीं कर सकते? क्या बच्चे पालना ही सबकी जिंदगी का मकसद होता है? अगर तुम्हें बच्चे पालने का इतना ही शौक है तो हम कोई बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं। मेरे लिए बच्चे से पहले तुम हो, जो दुनिया में आया ही नहीं उसकी क्या फिक्र करना। सबसे पहले तो मेरे लिए तुम ही हो, और मेरे माता पिता जो बच्चे के लिए तुम पर इतना अत्याचार कर रहे हैं। वह अपने खुद के बच्चे की खुशी तो समझ नहीं सकते, और उन्हें अब हमारा बच्चा चाहिए, यह कैसी मानसिकता है? रेवा मौन होकर जतिन की बातें सुन रही थी और उसकी आंखें लगातार सावन सी बरस रही थी। जतिन ने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा, तुम खुद सोच कर देखो, बच्चा तुम्हें अपनी खुशी के लिए चाहिए या दुनिया को दिखाने के लिए? अगर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए चाहिए तो हमें ऐसे बच्चे की जरूरत नहीं है। दुनिया हमसे कभी खुश नहीं हो सकती। पहले वो शादी के पीछे पड़ती है, फिर बच्चे के लिए दबाव आने लगता है, फिर बेटे के लिए, तो कभी दूसरे बच्चे के लिए, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। दुनिया की फरमाइशें हजार हैं, क्या हम सबकी हर फरमाइश पूरी कर पाएंगे? नहीं ना, फिर दूसरों की बातों को इतना भी क्या दिल से लगाना यार। और अगर तुम्हें खुद की खुशी के लिए बच्चा चाहिए तो हम बच्चा गोद ले लेंगे। और जहाँ तक बात रही मेरे घर वालों की, तो अब मैं तुम्हारे साथ उस घर में नहीं रहूँगा। मैंने उन्हें कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। इसलिए जहाँ मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं, वहाँ मैं नहीं रह सकता। हम दोनों अपने प्यार की एक छोटी सी अलग दुनिया बसाएंगे। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। बच्चा जिंदगी का एक हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी नहीं होता कि जिसे बच्चे नहीं होते वो हंसना मुस्कुराना और जीना ही छोड़ दे। उसकी बात सुनकर रेवा भावुक होकर उससे लिपट गई और बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो। अगर मेरी किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है तो ना सही, लेकिन मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी है। जो बच्चा नहीं है उसके बारे में सोचकर रोने से अच्छा है कि जो सामने प्यारा सा पति बैठा है उस पर अपना प्यार लुटाऊं, उसका ध्यान रखूं। जतिन ने खुशी से रेवा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, यह हुई ना मेरी प्यारी सी रेवा की समझदारी भरी बात। जतिन की आंखों से खुशी के दो बूंद आंसू लुढ़क पड़े। आज वह खुश था कि वह अपनी पत्नी के नजरिए को बदलकर उसकी जिंदगी को थोड़ा आसान कर पाया था। दोस्तों, शादी होते ही लोग घर की बहू के पीछे पड़ जाते हैं कि उन्हें बच्चा चाहिए। माना कि माँ बनना किसी भी औरत के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, लेकिन जो औरतें माँ नहीं बन पाती उनके साथ समाज ऐसा व्यवहार क्यों करता है जैसे कि उनकी पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई हो? समाज के इस व्यवहार से औरत खुद भी टूट जाती है और उसे भी यही लगता है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है कि यह गलत है। बच्चा हमारी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी नहीं। जो औरतें माँ नहीं बन सकती, क्या वो इस बात के लिए जीना छोड़ दें, हंसना मुस्कुराना छोड़ दें? क्या बच्चे पालने के अलावा उनकी जिंदगी में और कोई काम नहीं हो सकता? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।